सब्सक्राइब कीजिए और घंटे के बटन को दबाइए। वेलकम दोस्तों टेक्निकल टिप्स यूट्यूब चैनल में। दोस्तों आज जो मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा वो ये है कि फॉर बेस्ट वे सेव योर डाटा, यानी चार बेहतरीन तरीके जिसके ज़रिए से आप अपने डाटा बचा सकते हैं। तो दोस्तों अगर आप ये चीज़ जानना चाहते हैं तो प्लीज़ आप अंत तक वीडियो ज़रूर देखें, और अगर आप नए यूज़र हैं तो सब्सक्राइब भी कर सकते हैं चैनल को। तो आइए देखते हैं, शुरू करते हैं कि कैसे मोबाइल में डाटा बचा जाते हैं। चार तरीके हैं, चार रास्ते हैं जिसके ज़रिए से आप अपने डाटा बचा सकते हैं। सबसे पहले क्रोम में चलते हैं। क्रोम के अंदर सेटिंग है जिसके ज़रिए से आप डाटा बचा सकते हैं, ये आपके मोबाइल में होगा। जैसे कि आप देख रहे हैं या नीचे दिख रहा है 8.9 MB सेव सिंस 26 नवंबर, यानी ये इतने डाटा इस फीचर और इस सेटिंग इनेबल करने के ज़रिए से ये डाटा की बचत हुई है। तो आइए सेटिंग कहाँ पे है देखते हैं। ये सेटिंग दिख रही है आपको, सेटिंग पे क्लिक करेंगे, उसके बाद यहाँ नीचे दिखाई दे रहा है आपको डाटा सेवर, इस पर क्लिक करेंगे। यहाँ देख रहे हैं मेरा इनेबल क्या हुआ पहले से, तो आपका इस तरह दिखेगा नहीं, इस तरह दिखेगा। तो आप इसको इस तरह इनेबल कर देंगे तो आपका डाटा बचेगा। देख रहे हैं आप कौन सी साइट पे मैंने कितने डाटा बचाए हैं, आप देख रहे हैं, आप देख सकते हैं सच दूर। तो दोस्तों एक ये रास्ता हो गया। दूसरा रास्ता ये कि डाटा ली, यहाँ लिखा डाटा ली दिखाई दे रहा है, डाटा ली ये गूगल का है। ये मैं इससे इस एक वीडियो पहले बना चुका हूँ, अगर आपको इंस्टॉल करना हो किस तरह डाउनलोड करना वो अगर आपको ना मालूम हो तो कम्प्लीटली वीडियो में आप देख सकते हैं। ये मोबाइल में, मेरे मोबाइल में पहले से इंस्टॉल किया हुआ, ये भी काफ़ी 70% डाटा रोज़ाना आपका बचाएगा। 70% आपको फ्री वाईफाई देने के ज़रिए से, और बैकग्राउंड में ऐप ब्लॉक करके ज़रिए से, और इसके अलावा ये दो तीन चार तरीके हैं जिसके ज़रिए से आपके मोबाइल में डाटा की बचत होती है। बैकग्राउंड में ऐप चलते रहते हैं जिसके ज़रिए से आपके डाटा ज़्यादा यूज़ होते हैं, तो ये 70% तक आपके डाटा ये एप्लीकेशन बचाएगा। आइए देखते हैं, ओपन करते हैं कितना डाटा बचा है, आज मैंने कितना बचाया है। अभी आज मोबाइल डाटा यूसेज टुडे आप देख रहे हैं, यहाँ 22.2 मोबाइल डाटा मैंने आज यूज़ किया है। इसके अलावा 343 MB यूज़ किया है आज, और डाटा सेवर ऑन है। आप देख रहे हैं कौन से एप्लीकेशन मैंने कितना डाटा इस्तेमाल किया है, और ये डाटा आपका बैकग्राउंड में बचाते रहता है। देखो डाटा सेवर ऑन इनेबल किया हुआ है, ठीक है। दो रास्ते हो गए, दो तरीके, और तीसरा आप वीडियो, सबसे ज़्यादा वीडियो देखने में आपके डाटा का इस्तेमाल होता है, वीडियो देखने में और ऐप डाउनलोड करने में। तो आप जानते हैं वीडियो देखने में किस तरह आप अपना डाटा बचा सकते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको प्ले स्टोर में जा कर के वहाँ से जा कर के बताऊँ, यूट्यूब गो जो है वो आप डाउनलोड कीजिए आपके मोबाइल में। यूट्यूब गो सर्च करते हैं, यूट्यूब गो ये यूट्यूब का एप्लीकेशन है, इसके ज़रिए से आप अपने डाटा बचा सकते हैं बहुत ज़्यादा। आप देख सकते हैं बेटा टेस्ट द न्यू ऐप राइट नाउ, अब इसमें मैं आपको ओपन करके दिखाता हूँ किस तरह इसके अंदर डाटा बचा जा सकते हैं। यू कैन सेव
अब मैं अब आपको ये वीडियो ओपन करके दिखाता हूँ। दिस वीडियो फॉर एग्जाम्पल क्लिक। अब आप देख सकते हैं सामान्य क्वालिटी 9.0 MB और मामूली क्वालिटी 1.6, लो क्वालिटी, मीडियम क्वालिटी, बहुत अच्छी क्वालिटी, हाई क्वालिटी। यानी आप देख सकते हैं अगर आप YouTube में हम जब वीडियो चालू करते हैं तो डायरेक्ट ये बहुत अच्छी क्वालिटी, हाई क्वालिटी ओपन होती है, जिसकी वजह जरिए से हमारा जल्दी डाटा ज़्यादा इस्तेमाल होता है। अगर आप मामूली क्वालिटी को सिलेक्ट करते हैं इसमें वीडियो थोड़ा झक्का ज़रूर आएगा, और मामूली क्वालिटी सबसे बेहतरीन क्वालिटी ये है, उसमें आपका डाटा भी बचेगा और वीडियो भी एकदम क्लीन आएगा। तो इस तरह इसके ज़रिए से आप डाटा सेलेक्ट करके अपना डाटा बजा सकते हैं। ये सेटिंग चेंज करके इसमें आप जितनी जैसी क्वालिटी का वीडियो देखना चाहते हैं आप देख सकते हैं। ठीक है दोस्तों, अब इस तरह क्लिक करके फिर आप या तो वीडियो को चला भी सकते हैं और डाउनलोड भी कर सकते हैं। तीन तरीके हो गए, 3Y एंड 4Y, यू कैन सी। अब आप चौथा रास्ता देखेंगे, चौथा कौन सा रास्ता है कि अपना डाटा सेव करें, आप किस तरह अपने डाटा को बचत करें, तो आइए वो भी देख लेते हैं। वो भी YouTube के अंदर है। यहाँ पे आप कोई भी वीडियो ओपन करते हैं, आप ये एग्जाम्पल फॉर दिस वीडियो, ये मैं मिसाल के तौर पे वीडियो ओपन करता हूँ। अब आप इसको ब्रेक कीजिए, उसके बाद यहाँ सेटिंग में जाएंगे। जब वीडियो क्वालिटी दिखाई दे रही है आपको, ये वीडियो क्वालिटी पे क्लिक करेंगे तो आप देख रहे हैं 144, 240, 360, ये सब वीडियो क्वालिटी है। तो आप दोस्तों अगर ऑटोमेटिक अक्सर यूट्यूब पर 360 सेलेक्ट हो जाता है, 480, अब हमारे यहाँ जियो चलता है इंडिया के अंदर, तो अक्सर ज़्यादातर 400 या 80 या 720 सेलेक्ट हो जाता है ऑटोमेटिक, और आपका जल्दी डाटा ख़त्म हो जाता है। तो आप 240 सेलेक्ट करके और बहुत अच्छी क्वालिटी में वीडियो देख करके अपने डाटा बचा सकते हैं। ये 360 है तो आप इस तरह 220 सेलेक्ट करके फिर आप वीडियो चला सकते हैं, और आपकी डाटा काफ़ी बचत होगी। तो दोस्तों और डॉटली जो ऐप है, जो वो ऐसा लागू आप कौन से ऐप में कितना आपने डाटा यूज़ किया है वो बताते रहता है। अभी जैसे देखना देखा आपने, कोई भी मैं ऐप ओपन करता हूँ तो बैकग्राउंड में ये सामने यहाँ पे आता है। यहाँ देखें, मैं अभी वीडियो चालू करता हूँ, ये दिखाई दे रहा है, ये डाटाली का वो लोगो दिखाई दे रहा है आपको। यहाँ पे ये 16 MB यूज़ हुआ है यूट्यूब के अंदर मेरा डाटा। तो ये बहुत अच्छा ऐप है, आपको ट्रैक करता है, आपको पूरी तरह ध्यान में रहता है कि कौन से एप्लीकेशन में कितने डाटा इस्तेमाल हो रहा है। तो दोस्तों आज इतना ही वीडियो में, फिर अगले वीडियो मिलेंगे। थैंक यू सो मच। कमेंट और लाइक करना ना भूलें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना भी ना भूलें। थैंक यू।